की शिकायतें मिल रही हैं कैराना और नूरपुर में। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी सभी के प्रतिनिधि आपसे मिले हैं, क्या शिकायतें आ रही हैं? तो बेसिकली जो आप जो बता रहे हैं कि ये ईवीएम की बात नहीं, वीवीपैट की शिकायत आ रही है। वीवीपैट का जहां जहां पे जो टेक्निकली जोड़ने में ईवीएम वीवीपैट बैलेट यूनिट को जोड़ने में भी जहां टेक्निकली दिक्कत है, तो हमारे जो इंजीनियर्स है ECIL के, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6-6 इंजीनियर्स है, कुछ मास्टर ट्रेनर्स भी है। तो एक एक एक्सपर्ट को, टेक्निकल एक्सपर्ट को हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठे हैं और वो जहाँ भी शिकायत आ रही है तत्काल जाके उसको ठीक करने का प्रयास कर, ठीक भी कराया जा रहा है। जहाँ ठीक ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे पास करीब 25% रिजर्व है हमारे पास हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो और जहाँ भी खराब होने से रुक रहा है, आज विद इन हाफ एन आवर जाके हमारे लोग उसको ठीक कर रहे हैं। और सभी DMs और कमिश्नर भी, कमिश्नर सहारनपुर भी लगातार रोड में है। तो जहाँ जहाँ लोगों की इस तरह की गलत में, जैसे अभी लोग कह रहे थे कि जहाँ पे फलानी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर ज़्यादा है वहाँ पे इस तरह कराया जा रहा है, ऐसी इस तरह की बात में सच्चाई नहीं। बट लेकिन ये बात सही है कि वीवीपैट की 10-15% तक खराब हो रहे हैं और रिप्लेसमेंट भी तमाम जगह कराया गया। और जहाँ पे वो जो Type 2 एरर दिखाई दे रहा है, जो वीवीपैट में वोट करने के बाद वो स्लिप गिरता है, वो स्लिप बीच में अटक जा रहा है, उसको जाके उसको ठीक कराया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का आरोप लगा रही हैं कि कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, 2 सिर्फ सीटों पर चुनाव था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी नहीं थी, वीवीपैट खराब हो रहा है, ईवीएम खराब हो रहा है, इस वजह से लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस बात से परेशान होकर लोग वोट नहीं डाल रहे हैं और वहां से चले जा रहे हैं, ऐसी कई शिकायतें हैं। नहीं तो जहाँ जहाँ इस तरह की जो CC सर भी इसमें लेके, इसमें चिंतित है, CC सर से 2 बार बात भी किया है और वहाँ पे जो डायरेक्टर्स वगैरह वो भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम भी लगातार इसको DMs और कमिश्नर से मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए, दिस इज ए टेक्निकल इश्यू, वीवीपैट की इतनी ज़्यादा संख्या में इसमें खराब हो रहा है, उसको बार बार जाके टेक्निकल पर्सन को डील करके ठीक करना पड़ रहा है। तो एक उसकी टेक्निकली जोड़ने को लेके होगा, ये टेक्निकली ये हीट और इसकी जो गर्मी को देखते हुए ये भी हो रहा है, तो इसका अल्टरनेट मैकेनिज्म से डेवलप करना पड़ेगा। मांग उठाया जा रहा है, मैंने इन लोगों से कहा कि सबको 6 बजे तक उसको वोट पड़ना है, तो 6 बजे तक जितने लोग पोलिंग बूथ पे आएंगे सबसे वोट डलवाया जाएगा, उसमें 8 बज जाए, 10 बज जाए, 12 बज जाए, वो नियम ही है इसमें इलेक्शन कमीशन का। तो इसलिए तो जो लोग लाइन में लगे हैं तो उनको किसी भी हालत में हम लोग और इंटेंसिवली उसको प्रयास करके उसको कराया जाएगा। तो हमारे पास जितनी मशीन अभी हमारे पास है उसको हम लोग रिप्लेस भी करेंगे। तो अभी सभी DMs ने भी इसको लेके काफ़ी गंभीर भी है और काफ़ी एक्टिवली इस पर काम कर रहे हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। पर रिपोल की भी संभावना बन रही है? नहीं, रिपोल मीन्स सपोज मान लें हमारे पास जितनी इनकेस हमारे पास जितना रिजर्व में है, ज़्यादा संख्या मान लें कि वीवीपैट वगैरह गर्मी की वजह से हो या टेक्निकल कारणों से ज़्यादा खराब हो जाएंगे और रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास जितना 25% रिजर्व है वो सब एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो जरूर उसको रिपोर्ट तो करा ही पड़ेगा। कैराना की एक जगह की शिकायत मिल रही है जहां पर 4 बार वीवीपैट को बदला गया है, एक स्कूल का मामला है, 258 बूथ संख्या है उसकी, वहां पर 4 बार वीवीपैट खराब हुआ, लोग बड़े परेशान हुए, सुबह 6:30 बजे पोलिंग शुरू हुई लेकिन 9 बजे तक लोग वोट नहीं डाल पाए, क्या वहां से? नहीं, ये जो आप जो बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मीडिया की तरफ से भी हमारे पास फीडबैक आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की तरफ से हमारे पास फीडबैक आ रहा है, तो हम उसको लगातार इसको तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में DM को और कमिश्नर को भेज के उसको परीक्षण करा रहे हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है कि भाई एक ही जगह पे जो है 3-4 बार उसमें खराब हुआ, तो एक जगह पे हमने DM से जो बात कर रहे हैं तो एक जगह जो खराब होगा तो जब एक बार रिप्लेस हो गया है तो हो सकता है कहीं कहीं दूसरी बार हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली खराब हो रहा है फिर रिप्लेस कर रहा है खराब, ऐसी कोई बात हमारे पास। चुनाव के पहले ईवीएम को जांचने की एक प्रक्रिया होती है, आप बता रहे हैं 10-50% तक ईवीएम में खराबी सामने आ रही है, तो क्या कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, तकनीकी खामियों की चेकिंग नहीं की गई थी जो एकदम से ये दिक्कत सामने आ रही है? ईवीएम के बारे में जो उसको रैंडमाइजेशन होता है, टेक्निकल पर्सन करके उसको फर्स्ट लेवल चेक होता है, उसके बाद ये पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की सीटिंग करते हैं उसमें हमारे ARO's और RO's के माध्यम से, फिर जो है थर्ड जब उसको पार्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिटिकल हमारी जो पोलिंग पार्टीज वो भी चेक करके देखते हैं सब काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और नीचे लेवल पे जब मॉक पोल होता है तभी चेकिंग होता है। जहाँ जहाँ पे मशीन्स खराब होने की पहले जानकारी मिली तो उसको रिप्लेस किया गया। इस बार जो फंक्शनल दृष्टि से 2-3 घंटे काम करने के बाद या स्टार्टिंग में सारे समस्या आ रहा है, तो उसमें हमारी इसीलिए टेक्निकल पर्सन रखा गया, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6-6 जो ECIL के इंजीनियर्स है, उसमें जहाँ समस्या आ रहा है उसको वो कराया जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि वीवीपैट इतनी ज़्यादा संख्या में
उसको जो खराब हो रहे हैं, तो इसकी हम लोग टेक्निकली इसके एग्जामिन करने के लिए सीज करने का, वो तो भविष्य के लिए होगा, लेकिन इस समय हमारे पास जितना रिप्लेसमेंट है उसको करके उसमें कराया जाएगा, और यदि इनकेस हमारे पास सारे मशीन एग्जॉस्ट हो जाए तो उन जगह पे जहां जरूरत पड़ेगी तो रिपोर्ट कराया जाएगा। टाइप कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियो सबसे पहले।